प्रियंका गांधी आज लखनऊ दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने कई किसान संगठनों से भी बातचीत की है। हमारे साथ तमाम सारे किसान संगठन के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मैं मास्टर शिवराज सिंह भाटी, नोएडा से आया हूँ, भारतीय किसान लोक शक्ति से राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रियंका जी से मुलाकात हो गई? जी बिल्कुल। क्या बात हुई? सकारात्मक मुलाकात हुई, लगभग 1.5 घंटे उन्होंने किसानों को सुना और बहुत शांतिपूर्वक सुना। हमने किसानों के जो बिंदु थे, जो जो किसानों की पीड़ा थी, चूंकि हम किसान हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, सब विस्तार से बताया और अपने लेटर हेड पर उनको लिखित में भी दिया। और उन्होंने भी शांतिपूर्वक किसानों के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अगर हम सरकार में आते हैं या हमारा कांग्रेस मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए। हमने तो ये भी कहा, भाई सरकार चुनाव के समय पर मैनिफेस्टो लाती है, घोषणा पत्र करती है और सत्ता में आने के बाद वो मैनिफेस्टो भूल जाते हैं, बहुत सारी बात कहीं। लेकिन लास्ट में प्रियंका जी की जो मेन बात थी, उन्होंने ये कहा, ना तो मैंने आपको वोट के लिए बुलाया है, ना ये बुलाया कि आप मुझे सत्ता में लाएं। सत्ता में आने के लिए हम चूंकि राजनीतिक हैं, खुद प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी सत्ता में आए। मैं आपसे ये कहती हूं कि आप अपने संगठनों को मजबूत करें, किसानों को एकजुट करें। जो किसान बिखरा हुआ है, चारों तरफ इधर उधर बटा हुआ है, उनको सबको एकजुटता में लाएं, ताकि अगर हमारी भी सरकार आए तो आप अपनी बात को मजबूती से उठा सकें और हमारी भी सरकार आती है तो आप आंदोलन भी कर सकें और हम आपके काम कर सकें। इसलिए किसान संगठनों का मजबूत होना अति आवश्यक है। तो मुझे बताइए, क्या प्रियंका जी ने ये भी कहा कि अपने मैनिफेस्टो में वो जो कृषि बिल है जिसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या बात हुई? कि मैनिफेस्टो में रखें, हमारे राहुल भैया जी भी ये बात कह चुके हैं कि हमारी सरकार आई तो तीनों कृषि कानूनों को हम खत्म करेंगे बिल्कुल, और ये तीनों कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे। और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये किसान विरोधी कानून है। अगर हमारी सरकार आई तो तीनों कृषि बिल नहीं रहेंगे, किसानों को बिजली की सुविधा भी मिलेगी, पानी की सुविधा भी मिलेगी, उनको फसलों का पूरा मूल्य भी मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा, मंडी व्यवस्था भी हम ही लाए, MSP व्यवस्था भी हम ही लाए, किसानों के लिए जो हम कर सकते थे हमने कर्ज मुक्त भी किया अपनी सरकार में, बहुत सारी उन्होंने जो सरकार में किया अपनी उपलब्धि गिनाई। और आगे भी चूंकि हमारी सरकार किसानों से समझती है किसानों की पीड़ा को, और इसीलिए मैंने आपको बुलाया कि कुछ चीज़ हो सकता है हमारी नज़र में ना हो, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, चूंकि आप किसान हैं, किसान संगठन चलाते हैं, तो आज मेरा बुलाने का उद्देश्य भी ये था कि हम किसानों की पीड़ा और समस्या समझ सकें। मैनिफेस्टो में इन सब बातों को रखेंगे ये लोग? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैनिफेस्टो में भी रखेंगे और सरकार आएगी तो उनको संपूर्ण भी करेंगे। और क्या कहा प्रियंका जी ने? यही कहा उन्होंने कि हम MSP को और इसको जो है कानूनों को रद्द कर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो, और किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। आज तक जो किया है हमारे किए हुए को ये कर रहे हैं, और ये जो है इन्होंने अपना कुछ नहीं करा है, उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। झूठ बोल के राजनीति करते हैं, हमारे बस की झूठ बोलना नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, बवाल करते हैं, शोर मचाते हैं, वो चीज़ें हमारे बस की नहीं है। हम धरती पर रह के काम करते हैं, जमीनी स्तर का काम करते हैं। और क्या सुझाव मांगे, मतलब उन्होंने क्या कहा कि आगे आप लोगों की फिर मुलाकात होगी या सरकार बनती है सेंट्रल में या कहीं और, तो उसको क्या बातें आप लोगों की आगे उठाई जाएंगी? नहीं, वो तो इनकी सरकार बनती है ऐसा तो है, ये सुनते तो हैं कम से कम। यहाँ 8 महीने से धरना चल रहा है दिल्ली पे, दिल्ली पे जो मोदी सरकार है वो कान बंद करके बैठी है बिल्कुल, वो सुन नहीं रही। अब जो भी हमारी मांग है, सरकार इनकी बनेगी तो इनकी छाती पे वहाँ जा करके बैठेंगे, तो ये सुनते तो हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उस पर आगे काम करेंगे। इनका जो मैन्युफैक्चर होगा, इस पर जो लागू करेंगे ये, अगर उसमें आधे काम ये नहीं कर पाते तो हम आवाज़ उठाएंगे उसकी। मैं एक बार फिर एक चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ आपसे, उन्होंने ये कहा कि अपने मैनिफेस्टो में किसानों के मुद्दे को उठाएंगे, जो कृषि कानून है इसके बिल को वापस लेंगे? ये कहा कि तीनों कृषि बिलों को हम खत्म करेंगे, बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे हमारी सरकार आती है तो, और किसानों की जो हम सर्वोपरि अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसान को रखेंगे और हमारी सरकार आती है तो संपूर्ण रूप से हम किसानों के लिए काम करेंगे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये तमाम सारे किसान संगठन के लोग हैं जिनकी आज प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। सबसे अहम बात यह है कि जो कृषि बिल है जिसका विरोध तमाम सारे संगठन कर रहे हैं, उसको लेकर इन्होंने प्रियंका गांधी के सामने बात रखी, और प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि किसानों के मुद्दे को वो न सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में लाएंगी, बल्कि अगर सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन तमाम सारे कानूनों को वापस भी लिया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24।